एक मकसद है सामने, इनकलाब बर्पा करना है। एक कोशिश नाकाम हो जाए कोई परवाह नहीं, नेक्स्ट, फिर तैयार रहो नाकामी के लिए। ऐसा ना हो जो अंग्रेजी में कहते हैं होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा ना हो कि दूसरी मरतबा नाकाम हो के बददिल हो जाओ, तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे जाए। नहीं, पहले से तैयार रहो कि दूसरी मरतबा भी नाकामी आए तो आए, लेकिन जब तक के कामयाबी हासिल नहीं होती हमें यह काम किए चले जाए। देखिए सीरत में आया कि नहीं यह वाक्य। बदर में मुसलमानों को फतह हुई तो ओहद में जक पहुंची के नहीं, 70 सहाबा शहीद हुए के नहीं। अगर उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती तो गाड़ी कैसे चलती आगे। तो फरमाया وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ। हम तुम्हें लाजम नजमाएंगे खौफ की कैफियत से, फकर फाके की कैफियत से, भूख से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, मेहनतों के हासिल के जाय हो जाने से। وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, और ऐ नबी बशारत दीजिए सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो के जब उन पर कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, कोई आजमाइश आए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो ये कहे कि हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। ये वही अंदाज है जो मैंने फारसी का शेर सुनाया था आपको कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। वो हमारा मौला है, हमारा आका है, अगर उसे यही मंजूर है तो हमें भी यही मंजूर। मैंने तस्लीम और रजा की बात की थी ना, आपको कुछ शेर सुनाए थे, एक शेर और सुनिए। और ये किसका है? मोहम्मद अली जौहर का। एक मर्तबा जेल गए, उनकी एक बेटी जवान बीमार हुई, फौत हो गई। बाहर छोड़ा अंग्रेज ने, जाओ भाई दफन कर दो बेटी को। दूसरी मर्तबा जेल गए, दूसरी जवान बेटी उसी मर्ज में मुबतला हुई। अब ये जेल में है, खबर पहुंची कि दूसरी बेटी के ऊपर भी उसी मर्ज का हमला हुआ है। एक नज़म लिखी है जिसका आखिरी शेर ये है, तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको नहीं मंजूर तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। ये है, जब तक ये कैफियत न हो इस मैदान में आदमी साबित कदम नहीं रह सकता कि मेरे रब को अगर ये मंजूर है तो यही मुझे मंजूर है। और तेरी सेहत हमें चाहिए तो जरूर, लेकिन हमारे रब को मंजूर नहीं तो हमें भी मंजूर। राजी बरज़ाए रब। وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائے۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21واں رکوع کی پہلی آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں۔ وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں، کس میں؟ جنگ کے وقت، ذرائے، بأسائے۔ بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر۔ جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے،
फक्र और फाके में सब्र करने वाले और जंग के वक्त सब्र करने वाले, उलाएकल्लजीन सदकू व उलाएकहुमुल मुत्तकून, ये हैं वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, ये हैं जो सच्चे हैं, जो अपने दावे में नेकी के और ईमान के सादिक हैं, और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी। अगली सूरत है सूरह आले इमरान, उसमें दो लफ्ज आए हैं, आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीन आमनु सबरु व साबरु व राबतु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखिए यहां सब्र और साबिर, जो ताल्लुक जोहद और जिहाद का है वही है सब्र और मुसाबरत। सब्र एक एक तरफा अमल है, आप झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र अनिल मासिया, सब्र अनिल ताह, सब्र अनिल इब्तिला, ये सब क्या है सब्र। और मुसाबरत क्या है, सब्र का सब्र से मुकाबला। ये सूरह आले इमरान, अब वक्त नहीं है मैं आपको सुनाता अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मुसलमानों से कहा, मुसलमानों तुम्हें जख्म पहुंची है तो उन्हें भी तो पहुंची थी, उनके 70 नहीं मारे गए थे बद्र में, उनके हौसले जो हैं वो तो पस्त नहीं हुए, वो अगले साल आ गए तुम पर चढ़ाई करके, तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो, तुम्हारे दिल इतने जख्मी क्यों हो गए, तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें भी पहुंचती है। अपनी गैरत जो है हमें जरा उसका जायजा लेना चाहिए, लोग बातिल नजरियात के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, लोग बातिल चीजों के फरोग के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा था उसी गैरत को चैलेंज करने के लिए, जरा आपकी हमीयत दीनी को जोश दिलाने के लिए, कादियानी नौजवान कितनी तादाद में अपने आप को दीन के लिए वक्फ करता है, और आप कितने नौजवान हैं जो अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर रहे हैं, और हो वो खाते पीते घरानों के लोग, ये नहीं है कि अगर कोई और काम नहीं कर सकता तो फिर ये है कि वो दीन के काम में लग जाए, बासलाहियत लोग, खाते पीते लोग, जहनी इस्तेदाद रखने वाले लोग, ऊंचे घरानों के लोग, वो वक्त करें अपने आप को दीन के लिए, उसके बगैर कैसे बाहर आ जाएगी, कैसे रौनक आ जाएगी। तो दुनिया में बातिल नजरियात वाले जो हैं, ये बात कही गई है मुसलमानों तुम अगर तौहीद के लिए लड़ रहे हो, देखते नहीं अबू जहल को, उसने गर्दन कटवाई है शिर्क के लिए, शिर्क के लिए गर्दन कटवाए, और तुम तौहीद के लिए गर्दन कटवाने को तैयार ना हो, उसने गर्दन कटवाई कि नहीं कटवाई, और किस तरह कटवाई है, क्योंकि बड़ा मुतकब्बिर किस्म का फिरौन किस्म का शख्स था, जब गर्दन काटने लगे तो कहता है जरा नीचे से काटना ताकि जब तुम नेजे के ऊपर चढ़ाओ मेरे सर को तो ऊंचा नजर आए, मालूम हो सरदार का सर। वो बदबख्त मरते हुए भी जो उसकी कैफियत थी ना, उसको ध्यान में रखिए। तो ये उस लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी, तो फरमाया अगर तुम उनसे ज्यादा कुर्बानी नहीं दोगे, ये जो नोट कर लीजिए इसको, मुजर्रद अगर हक को गालिब करना अल्लाह के जिम्मे हो तो आने वाहिद में गालिब कर देगा, तुम्हें तकलीफ ही देने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं? क्या अल्लाह के मुकाबले में कोई बातिल की ताकत ठहर सकती है? ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, ये तुम्हारे खुलूस की आजमाइश है, ये तुम्हारे इम्तिहान का सबूत दरकार है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है तुम उसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हो कि नहीं, तुम उसके लिए तन मन धन लगाने को तैयार हो कि नहीं। और ये जान लो कि अगर कुफार और मुशरिकीन और मुल्हिदीन और बातिल नजरियात वाले वो जो कुछ कुर्बानियां अपने बातिल नजरियात के लिए दे रहे हैं उनसे ज्यादा अगर तुम नहीं दोगे तो हक गालिब नहीं होगा। उन्होंने जो सब्र किया है अपने बातिल नजरियात पर, अगर तुम उससे ज्यादा सब्र का सबूत नहीं दोगे अपने इस हक पर तो हक गालिब नहीं होगा। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना मनुस्बिरू वस्साबिरू, न सिर्फ यह कि सब्र करो बल्कि सब्र में अपने दुश्मनों से आगे निकलो, उनके सब्र से बढ़कर सब्र करो। वराबतू, मुराबता कहते हैं चौकस रहना, होशियार, पहरा दो, ऐसा ना हो कि दुश्मन जो है गफलत में तुम्हारे ऊपर कोई हमला जो है कर बैठे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ।